हेलो फ्रेंड्स, और आज हम केस स्टडी ले रहे हैं 10th। बहुत अच्छी केस स्टडी, इसमें प्रॉपर्टी को लेट आउट किया हुआ है जिसमें लैंडलॉर्ड ने जीएसटी चार्ज किया है, लेकिन जीएसटी को हम कहीं अपनी आईटीआर में अकाउंट फॉर नहीं करते। कैपिटल गेन केस में 4 केसेस हैं, एक गोल्ड बेचा, डायमंड बेचा और आरसी के बॉन्ड खरीदे टैक्स बचाने के लिए, लेकिन उसका कोई फायदा आपको नहीं हो रहा। शेयर्स बेचे हैं वेदांता लिमिटेड के और मारुति कंपनी के, और उसमें एक कट ऑफ डेट होती है 31 जनवरी 2018, उसका एफएमवी आपको दिया हुआ है, उसमें टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स सेक्शन 112 के अकॉर्डिंगली 1,00,000 छोड़कर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है उस पर 10%। इसमें दादाजी के भाई से गिफ्ट मिलता है। दादाजी तो हमारे रिलेटिव भी डेफिनेटली आते हैं, लेकिन दादाजी के भाई साहब नहीं आते, इसलिए वो टैक्सेबल हो रहा है। गिफ्ट हमारे माइनर सन को मिला। डिविडेंड इसमें इंडियन भी है और फॉरेन भी है, दोनों ही टैक्सेबल होते हैं। जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो इसमें कैलकुलेशंस होती हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 1,00,000 छोड़कर 10%, और नॉर्मल इनकम। हम इस क्वेश्चन में भी 234ABC को इग्नोर कर रहे हैं और 234F को भी इग्नोर कर रहे हैं। एडवांस टैक्स 2 बार दिया जाता है और एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा है, क्योंकि इनकम 50 लाख से ज्यादा है। हमें शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज फिल करना होगा। इसमें ज्वेलरी का दे रखा है, उसकी मार्केट वैल्यू, जिसका कोई मतलब नहीं होगा। एक इसमें है कि लोन टेकन बाय एसेट्स मॉर्गेजिंग, आपने इमोल या मोल प्रॉपर्टी जो आपने दिखा रखी है उसको खरीदने के लिए लोन नहीं लिया, बल्कि आपने लोन लिया, कोई पर्सनल लोन लिया होगा और एसेट्स को आपने मॉडरेट कर दिया, तो कहीं भी ये लायबिलिटी वाले कॉलम में वहां पर एसेट्स लायबिलिटीज के शेड्यूल में नहीं आएगा। अब वर्जन 1.7 आ गया है और वो ठीक तरीके से काम कर रहा है। उसमें वहां आप इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे, रेंशियल स्टेटस रेजिडेंट चूज करेंगे, तो वहां पर आपको कंडीशंस दिखाई दे रही है, और आप incometax.gov.in की वेबसाइट से वर्जन ITR2 का डाउनलोड कर सकते हैं, और वो बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा है। बुक है स्टूडेंट्स गाइड टू इनकम टैक्स, ऑथर्ड बाय डॉक्टर विनोद के सिंघानिया, डेट ऑफ बर्थ 27 अगस्त 1972। इसका मतलब ये नॉन सीनियर सिटीजन है। एड्रेस रखा है, मोबाइल नंबर रखा है, ईमेल रखा है, और ये हिंदुस्तान में रहे 250 डेज। रिटर्न ओरिजिनल है। एम्प्लॉयर का नाम श्रीधर एसोसिएट्स लिमिटेड, उसका पैनमर दिया हुआ है, डायरेक्टर किसी कंपनी में नहीं है, शेयर होल्डिंग नहीं है। 3 बैंक अकाउंट, एक HDFC बैंक, SBI और पंजाब नेशनल बैंक, तीनों के तीनों सेविंग अकाउंट है, और ये रिफंड चाहते हैं HDFC बैंक पे। रिटर्न फाइल होती है 31 जुलाई 2024, लेकिन सिस्टम डेट वो लेगा जब आप कैलकुलेट टैक्स करते हैं, उसी हिसाब से 234ABC का कैलकुलेशन होगा। प्लेस ऑफ फाइल रिटर्न न्यू दिल्ली। बेसिक सैलरी 30 लाख, कमीशन 6 लाख, परक्विजिट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन 547,200, ट्रांसपोर्ट लॉन्स, टिफिन लॉन्स, लीव सैलरी, कन्वेंस लॉन्स, अमाउंट 18,000, LTC रिसीव हुआ 1,80,000, एग्जेम्प्ट 1,75,000। LTC एग्जेम्प्ट सिर्फ होगा ओल्ड रिजीम के अंदर, नए रिजीम के अंदर एग्जेम्प्ट नहीं होगा। हॉस्टल एक्सपेंस अलाउंस और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये दोनों के दोनों एग्जेम्प्ट होंगे ओल्ड रिजीम के अंदर, नए रिजीम के अंदर एग्जेम्प्ट नहीं होंगे। लेकिन कन्वेंस अलाउंस एग्जेम्प्ट दोनों रिजीम्स के अंदर होगा, ओल्ड के अंदर भी और न्यू के अंदर। एक इनकी प्रॉपर्टी जो कि कमर्शियल है, लखनऊ के अंदर है, जिसका रेंट रिसीव हुआ 1,50,000 और GST इन्होंने लिया है टेनेंट से 27,000। जब हम ITR फाइल करेंगे तो इसमें GST का कोई मतलब नहीं है। हम वहां पर जो एनुअल वैल्यू दिखाएंगे वो दिखाएंगे ओनली 1,50,000। एक्सपेंशन रिपेयर का कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरो 45,000। हमने गोल्ड बेचा 2 अप्रैल 2023 को 20,500 का, उस पर एक्सपेंस हो गया 9,500, और हमने एक्वायर किया था 1 सितंबर 2019 को जब उसका इंडेक्स है 289। हम इसका इंडेक्स एक्विजिशन कॉस्ट निकालेंगे। हमने डायमंड बेचे 3 मई 2023 को, और इसको एक्वायर किए थे 2 नवंबर 2014।
इसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 200, हम इसको भी इंडेक्स एक्विजिशन कॉस्ट करेंगे और फिर निकलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन जो आरसी के बॉन्ड हमने खरीदे उसका कोई हमें फायदा इसमें नहीं होगा। हमने वेदांता लिमिटेड के शेयर भी बेचे हैं 500 शेयर, 3740 नंबर ऑफ शेयर हैं, जिनको हमने एक्वायर किया था 11,96,800 का, और वो एक्वायर हमने किए थे 2015 के अंदर। एफएमबी उसकी 31 जनवरी 2018 को है 15,75,000। ये एक ग्रैंड फेदरिंग डेट, हम 80,70,000 में से जो डीप एक्विजिशन कॉस्ट है उसको माइनस कर देंगे और जो अमाउंट आएगा वो हमारा होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स। हमने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के भी शेयर्स बेचे हैं 38 लाख रुपीज के, जिसको हमने एक्वायर किया था 5 मई 2008 को, लेकिन उसकी एफएमई वैल्यू है 33,10,000। हम 38 लाख में से डीम एक्विजिशन कॉस्ट माइनस कर देंगे और जो अमाउंट आएगा वो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स। सेक्शन होगा 112A अदर सोर्सेज में सेविंग बैंक इंटरेस्ट गिफ्ट मिला ग्रैंडफादर के ब्रदर से, ये टैक्सेबल होगा क्योंकि नॉन रिलेटिव की डेफिनेशन में आता है। गिफ्ट हमें नॉन रेजिडेंट फ्रेंड से मिला 50,000, ये दोनों अमाउंट 82,000 प्लस 50,000 हम दोनों को ऐड करके 1,32,000 को टैक्स कर देंगे। गिफ्ट रिसीव्ड बाय माइनर सन जिसका डेट ऑफ बर्थ हमें चाहिए होगा, नेम भी रखा है और ये अमाउंट है 74,000। 1,500 सेक्शन 10(32) के अंदर एग्जेम्प्ट हो जाता है, लेकिन ये होगा सिर्फ ओल्ड रिजिम के अंदर, नए रिजिम के अंदर नहीं होगा, नए रिजिम के अंदर पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। डिविडेंड इंडियन कंपनी से मिला 1,20,000 और फॉरेन कंपनी से मिला 2,24,800, दोनों अमाउंट टैक्सेबल होंगे। ओल्ड रिजिम के अंदर चैप्टर 6A की डेडक्शंस मिलेगी हमें, आरपीएफ 80,000, पीपीएफ 22,000, एनपीएस 60,000, एलआईसी का प्रीमियम 4,000, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फ्रॉम ए बैंक फॉर हायर एजुकेशन ऑफ डॉटर 87,000, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम वाइफ का और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का मिल जाएगा, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ग्रैंड मदर का नहीं मिलेगा, वहां से मिलता है पेरेंट्स का। और न्यू रिजिम के अंदर कोई डिडक्शन अलाउ नहीं। एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा 10,18,500, 15 दिसंबर 2023 को एडवांस टैक्स का पेमेंट किया गया 1,18,000 और दूसरा एडवांस टैक्स पेमेंट किया गया 18 फरवरी 2024 को 10,000। शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज में डाटा में फिट करना होगा क्योंकि यहां पर टैक्स इनकम मोर देन 50 लाख है। ज्वेलरी एक्वायर की गई 9,000 की, मार्केट वैल्यू 3,08,000 का है, हम लिखेंगे 9,000। कैश इन हैंड 86,000, बैंक बैलेंस 5,15,000, लोन टेकन बाय मॉर्गेजिंग ज्वेलरी, हमने लोन लिया है ना कि टू परचेज मोबाइल एसेट्स और इमोबाइल एसेट्स, हमने मॉर्गेज करके लिया है, इसका कोई मतलब नहीं होगा। और कमर्शियल प्रॉपर्टी लखनऊ 80,01,500। केस स्टडी 10, और हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं न्यू टैक्स रेट रिजीम के हिसाब से। बेसिक सैलरी, कमीशन, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टिफिन अलाउंस, लीव सैलरी, कन्वेंस, होस्टल एक्सपेंस अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इन सब का टोटल हो गया 36,82,000। और परक्विजिट्स में आ जाएगा लीव ट्रैवल कंसेशन और रेंट फ्री हाउस का 7,27,200। एग्जेम्प्ट अलाउंस में सिर्फ जो कन्वेंस अलाउंस का है सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लॉज 1 का 10,000, स्टैंडर्ड अपने आप निकल आएगी और सैलरी चार्जेबल हो गई 43,49,200। जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसका रेंट रिसीव होता है 1,50,000, जो जीएसटी रिसीव हुआ उससे कोई मतलब नहीं, आपने चार्ज किया और आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया, वो आपकी कहीं भी आईटीआर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन निकल आया 30% और हाउसिंग लोन 45,000, 90,000 डिडक्शन हो गई और हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो गई 60,000। कैपिटल गेन में गोल्ड बेचा 2 अप्रैल 2023 को 20,05,000 का, उस पर खर्चा हो गया 9,500, वो माइनस कर देंगे। और इसकी जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो 4 लाख, उसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 289,
तुमने इसको 4 लाख को मल्टीप्लाई किया 348 से, डिवाइड किया 289 से, अमाउंट निकल आता है 481661। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया ऑन सेल ऑफ गोल्ड 50,09,339। और जो डायमंड बेचे 3 मई को 90 लाख के, उसको खरीदा था 2 नवंबर 2012 को, उसका कास्ट इंडेक्स 200 है। तो हमने इसका भी इंडेक्स एक्विजिशन कॉस्ट निकाला, 348 से मल्टीप्लाई किया 200 से, डिवाइड कर दिया, अमाउंट आ गया 7,83,000। और इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल आया ऑन सेल ऑफ डायमंड 82,17,000। जब मैं आरसी के बॉन्ड खरीदे उसका कोई इसमें मीनिंग नहीं है, कोई एग्जम्पशंस मिलने वाली नहीं है। और जो हम शेड्यूल कैपिटल गेन में डालेंगे तो वहां पर गोल्ड का डायमंड का हमें कंबाइन करना होगा सेल प्रोसीड्स, एक्सपेंसेस का लिखना होगा जो गोल्ड वाला है 9,500, और दोनों की इंडेक्स एक्विजिशन कॉस्ट में लिखनी होगी जो यहां पर कैलकुलेटेड अमाउंट है। वहां पर सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होने वाली नहीं। आपने शेयर्स भी बेचे हैं, सेक्शन 112A एप्लीकेबल हो जाता है इसमें, और इस पर टैक्स रेट निकलेगा 1 लाख छोड़कर 10%। आपने वेदांता के बेचे, वहां पर शेड्यूल के अंदर हमें नंबर ऑफ शेयर्स, रेट एटसेट्रा सब कुछ लिखना है, ISIN कंपनी का नाम। हमारी सेल प्रोसीड्स 18,70,000, कट ऑफ डेट, ग्रांट फैदरिंग वाली डेट 31 जनवरी 2018, वो 50,75,000। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 11,96,800। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स निकला वेदांता पर, जो डीम्ड एक्विजिशन कॉस्ट आई वो आएगी 15,75,000। हमारा इसमें गेन हो गया 2,95,000। इसी तरीके से मारुति का है जो कि हमने बेचे हैं July 14 को, 38 लाख की हमारी सेल प्रोसीड्स है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सिर्फ 2,16,600 है, और FMV उसकी है 33,10,000। तो डीम एक्विजिशन कॉस्ट हो गई हमारी 33,10,000। यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया ऑन सेल ऑफ मारुति के शेयर्स हैं 4,90,000। दोनों का टोटल हो गया 7,85,000। और इस पर जो टैक्स बनेगा 1 लाख छोड़कर 6,85,000 पर 10% हमें टैक्स देना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 24,900, गिफ्ट मिला नॉन रिलेटिव से, एक दादाजी के भाई साहब से 82,000, और एक मिला NRE फ्रेंड से 50,000, और एक मिला हमारे माइनर सन को 74,000। तो ये तीनों अमाउंट जो हैं वो हमारे टैक्सेबल हो जाएंगे, 1,20,000 और 2,24,800। ये दोनों अमाउंट टैक्सेबल हैं और टोटल हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गया 5,75,700। कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है। हमारी टैक्सेबल इनकम आ गई 1,54,96,239। 97,26,339 पर तो लगेगा 20% जो गोल्ड और डायमंड वाला है, और 7,85,000 पर लगेगा 10% 1 लाख छोड़कर, और बाकी रेमेनिंग पर लगेगा नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट का टैक्स आ गया 11,95,470 और टोटल टैक्स बन गया 32,09,238, 15% का सरचार्ज क्योंकि इनकम जो है हमारी 1 करोड़ से ऊपर निकल गई है। हेल्थ एजुकेशन टैक्स लग गया 4%। टोटल टैक्स लेवी बन गई 38,38,249। 234 ABC को हम इग्नोर कर रहे हैं, लेट फीस को भी इग्नोर कर रहे हैं, और हमारा टैक्स क्रेडिट हो गया 11,46,500, जिसमें एडवांस टैक्स है 1,28,000 का और 10,18,500 का जो एम्प्लॉयर ने हमारा TDS काटा। अभी हमें 26,91,750 का टैक्स और देना बाकी है। नाम लिख दिया राम नरेश राठौर, पैन नंबर लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, दिल्ली डॉट कॉम से उठा लिया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया, स्टेटस में इंडिविजुअल ड्रॉप डाउन से उठाया, डेट ऑफ बर्थ लिखी, ईमेल लिखा, मोबाइल नंबर लिखा, फाइल अंडर सेक्शन 191 चूज कर लिया, ऑन और बिफोर ड्यू डेट, रेंशियल स्टेटस रेजिडेंट कर दिया ड्रॉप डाउन से, कंडीशंस में फर्स्ट कंडीशन को चूज कर लिया, और न्यू जिम के लिए नो, बाय डिफॉल्ट नो ही होता है, 7th प्रोविजो नो सिलेक्ट कर लिया ड्रॉप डाउन से, 115H नो है, पोर्टुगीज नो है, FPI नो ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लिया,
रिप्रेजेंटेटिव एसएससी नो, डायरेक्टर्स का नो और अनलिस्टेड पोलिटिशियंस का नो, और शीट को कर दिया वैलिडेट। शेड्यूल एस नेम ऑफ एम्प्लॉयर लिख दिया, नेचर एम्प्लॉयर अदर्स सेलेक्ट कर लिया, टर्न नंबर लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, दिल्ली ड्रॉप डाउन से उठाया, न्यू दिल्ली लिख दिया, पिन कोड लिख दिया, बेसिक सैलरी ड्रॉप डाउन से फीस कमीशन लिख दिया, अदर अलाउंस लीव एनकैशमेंट कन्वेंस अलाउंस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, टोटल आ गया 36,82,000। फीस कंसेशनल ट्रेवल 1,80,000, एकोमोडेशन 547,200, इसका टोटल आ गया परक्विजिट्स का 727,200, ग्रॉस सैलरी आ गई 44,09,200, एग्जम्प्ट अलाउंस हो गया 10,000 जो कन्वेंस वाला है, स्टैंडर्ड एक्सेस अपने आप निकल आई, और इनकम चार्जेबल अंडर द एक्ट सैलरी हो गया 43,49,200। इनकम हाउस प्रॉपर्टी में एड्रेस लिख दिया, सिटी लिख दिया, उत्तर प्रदेश ड्रॉप डाउन से उठा लिया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया, ऑन ऑफ द प्रॉपर्टी को सेल्फ सेलेक्ट कर लिया, इज द प्रॉपर्टी कौन नो कर दिया, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी लेट आउट, टेनेंट का नाम लिख दिया राम श्याम लिमिटेड, और ग्रॉस रेंट लिखा हमने 1,50,000, जीएसटी का अमाउंट हम कंसिडर यहां पर बिल्कुल भी नहीं कर रहे, 45,000 30% अपने आप निकल आया, और इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल लिख दिया 45,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई 60,000, और शीट को कर दिया वैलिडेट। कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर नंबर 6 पर उसका ए पार्ट यहां कर दिया डॉट डाउन से नो, 9 नंबर पर फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स वेयर B1 to B9 अबव आर नॉट एप्लीकेबल, इसमें गोल्ड और डायमंड का टोटल सेल प्रोसीड्स लिख दिया 1,10,500, एक्सपेंडिचर इनकर्ड में कर दिया 9,500, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस विद इंडेक्सेशन ये हमने वैल्यू लिख दी 12,64,661। हमने यहां पर फॉर्मूला लगाए हुए हैं, सेल प्रोसीड्स इंडेक्स एक्विजिशन कॉस्ट और एक्सपेंडिचर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 97,26,339 गोल्ड का और डायमंड के सेल पर, 10 नंबर पर ए हमने ड्रॉप डाउन से कर दिया नो। शेयर्स के लिए हमें जाना होगा शेड्यूल 112A की शीट पर, शेयर्स ऑब्लिक यूनिट्स एक्वायर्ड, हम यहां ड्रॉप डाउन से लिखेंगे ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018, ये एक कट ऑफ डेट है। हमने ISIN कोड लिख दिया वेदांता लिमिटेड का जो हमने शेयर्स बेचे, नंबर ऑफ शेयर्स लिख दिए 3740, सेलिंग प्राइस लिख दी 500, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने खुद लिखी 15,75,000 को हमने नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर दिया, एक्सपेंडिचर में 00 कर दिया। इसी तरीके से मारुति के लिए हमने यहां ड्रॉप डाउन उठाया ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018, ISIN कोड लिख दिया, कंपनी का नाम लिख दिया, 3800 शेयर्स लिख दिए और सेलिंग प्राइस लिख दी 1,000 रुपीज, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2,16,600, और फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर लिया हमने, 33,10,000 को डिवाइड कर दिया हमने नंबर ऑफ शेयर्स, एक्सपेंशन कर दिया 0, और सिस्टम ने अपने आप कैलकुलेट कर दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 7,85,000, और यही वाला अमाउंट कैपिटल गेन वाली शीट पर आ गया नंबर 4 पर फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ए पार्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 7,85,000। इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्वायर रिसीव ऑफ कैपिटल गेन में 5 नंबर पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10% 2,95,000 जो शेयर्स हमने बेचे 15 जून तक, और मारुति के जो बेचे वो आ गए नेक्स्ट क्वार्टर जिस पर कैपिटल गेन हुआ 4,90,000, और 6 नंबर पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट द रेट 20% ये गोल्ड और डायमंड का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है 24,900। गिफ्ट जो मिला दादाजी के ब्रदर वाला, एनआरए वाला और माइनर सन का, उन सबको हमने कंबाइन करना है, दादाजी के भाई वाला 82,000, 50,000 हमें मिला एनआरए फ्रेंड से, और माइनर सन को मिला 74,000, इन सबका टोटल हो गया 2,06,000, और माइनर सन को जो मिला वो हम एसबीआई वाली शीट में भी लिखेंगे। इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन हमने कर दिया
जेब्रा नेम ऑफ द पर्सन, रिलेशनशिप सन 74,000 और यहां ड्रॉप डाउन से कर दिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसको कर दिया ब्लड एज। ये माइनर वाला ऑटोमेटिक अपने आप नहीं आएगा, हमने तीनों का है कंबाइंड लिखा है। और जो डिविडेंड मिला है वो मिला है 8 जून को 1,20,000 और 15 जून को 2,24,800। तो हमने इसको दोनों को कंबाइंड करना है 3,44,800 और ये पहले क्वार्टर में अप टू 15,12,000 और ये अपने आप यहां पर टोटल हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का 5,75,700 और शीट को कर दिया वैलिडेट। सेक्शन 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड अदर्स, और जिसमें गोल्ड और डायमंड बेचा, गेन हुआ था 97,26,339 और उस पर टैक्स लगा 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स, एसटीडी पेड वाला मारुति और वेदांता के जो शेयर्स बेचे, सेक्शन 112A 10% टैक्स रेट 7,85,000, 1,00,000 तक हमारा एग्जेम्प्ट हो जाता है और 6,85,000 का हुआ 10% 68,500। डू यू ओन एनी इमिनेंट प्रॉपर्टी, यस कर दिया। कमर्शियल प्रॉपर्टी का एड्रेस लिख दिया, कीर्तिनगर कर दिया, लखनऊ लिख दिया, उत्तर प्रदेश ड्रॉप डाउन उठाया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया, अमाउंट लिख दिया 80,01,500, ज्वेलरी 9,000 जो एक्विजिशन कॉस्ट थी, बैंक बैलेंस 5,15,000, कैश 86,000 और जो लोन टेकन फॉर एसेट मॉर्गेजिंग था उसको हम कहीं भी नहीं लिखेंगे। इसको किया वैलिडेट, आईटी बीएसआर कोड लिख दिया 15 दिसंबर 2023, चालान नंबर 29 और पेमेंट किया हमने 1,18,000 का। दूसरा एडवांस टैक्स ऑन 18 फरवरी 2024, चालान नंबर 57 और अमाउंट 10,000, टोटल अपने आप हो गया और उसको किया वैलिडेट। श्रीधर एसोसिएट्स लिमिटेड का टाइम लिख दिया और इनकम चार्जेबल अंडर दी सैलरी लिखा सेक्शन 10 और स्टैंडर्ड डिडक्शन से पहले का अमाउंट और 10,18,500 जो एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा और उसको किया वैलिडेट। आईएफएससी कोड लिख दिया एचडीएफसी बैंक का, एचडीएफसी बैंक अपने आप आ गया, अकाउंट नंबर लिख दिया और ड्रॉप डाउन से किया सेविंग अकाउंट। इसी तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला आईएफएससी कोड लिखा, नाम अपने आप आ गया, अकाउंट नंबर लिखा और सेविंग अकाउंट ड्रॉप डाउन से, और पंजाब नेशनल बैंक उसका आईएफएससी कोड लिखा, पंजाब नेशनल बैंक अपने आप नाम लिखा हुआ आ गया, अकाउंट नंबर लिखा और सेविंग अकाउंट हमने ड्रॉप डाउन से उठाया। रिफंड किसमें चाहते हैं, यहाँ पर टिक मार का कोई तरीका इसमें नहीं है और यहाँ पर कर दिया नो। राम नरेश राठौर अपने आप नाम आ गया, विजय नरेश राठौर में फादर सिम लिख दिया, सेल्फ ड्रॉप डाउन से उठाया, पैन नंबर अपने आप आ गया और डेट आ रही है आज की 29 अक्टूबर 2024, इसको किया वैलिडेट। अब हम पार्ट बी TITDI शीट पर है, हमने किया कलेक्टेड टैक्स और ये आ गया सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स वाला, गोल्ड डायमंड का, डिडक्शन तो कोई आने नहीं थी, अदर सोर्सेस का 575,700 और टोटल टैक्स निकल आया हमारा स्पेशल और नॉर्मल दोनों को मिलाकर 32,09,238। सरचार्ज लग गया 15%, हेल्थ एजुकेशन सेस लग गया और टोटल टैक्स वैटी बन गई 38,38,249। हम 234 ABC को कर रहे हैं जीरो और 234F को, और हमारा टैक्स क्रेडिट हो गया 11,46,500। अभी हमें 26,91,750 और पे करना है। हमारी कैलकुलेशन शीट भी यही कहती है, हमने किया जनरेट जेसन, ओके 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 ओके, सेव जेसन, फाइल सेव, ओके। वेरिफिकेशन के बाद ये समरी वाली शीट आ गई और ये जेएसओन का फाइल जो अपने आप नाम बन जाता है ITR2_PAN, इसको आपने एडिट और इसमें फाइंड करना हो तो हमने किया 24,900 फाइंड, नेक्स्ट पर क्लिक करो, आ गया नीचे, एक बार और नेक्स्ट, एक बार और आ गया, बस